फिर से हाथ घिस गए पर दाग नहीं गए। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मन चाही सफेदी, मगर आज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। अरे ओ एड बनाने वाले, थोड़ी सी तो शर्म कर भाई। एड के नाम पे तूने क्या बवासीर बनाई। कसम से आंखों को ना सैनिटाइज कर। सच में आंख में चला गया। लग गए। मुझे कुछ दिखाएंगे ना बाबा। यू नो ऐसे एड्स देखने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये एड्स अगर रियल लाइफ में होती तो। इसकी शर्ट देखो, व्हाइट सफेद शर्ट भी नहीं होती यार, जब पीली शर्ट पहनी हुई है। मेरी मम्मी 10-10 बार धोती है मेरी शर्ट को, फालतू मत बोलो। फिर भी पीली है। तेरे दांतों से कम पीली है। अरे पीली शर्ट वाला। मेरी मम्मी 10-10 बार धोती है मेरे कपड़े, फिर भी मेरी शर्ट सफेद नहीं होती, इसमें मेरा क्या कसूर है भगवान। रुको जरा, सबर करो। ले बेटा, ये सफेदी की चमकार बार बार लगातार इसे अपने पास रखेगा तो तेरे कपड़े एकदम साफ हो जाएंगे। थैंक यू इसके लिए। पैसा लगेगा बेटा। कितना रुपया? 50,000 रुपया। इतना तो नहीं है। 150 रुपया ले लो। नहीं अच्छा चलो ना, आपकी ना मेरी 2,000 रुपया ले लो। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जादू। तेरे कपड़े देख रहा है तू, कुछ भी नहीं, और इतना सफेद देख के ना तेरी आंखें भी जगमगा जाएंगी। सॉरी भैया। अरे मेरा मुंह से निकल गई। ऐसा कोई सगा नहीं हमने जिसे ठगा नहीं। देखो एड्स जो होती है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत जरूरी होती है, एंड आई लाइक एड्स पर्सनली। कुछ क्रिएटिव इंटरेस्टिंग सी एड्स होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी एड्स आती है जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस एड में बताओ ये एक बल्ब की एड है, मतलब अगर ये एक वॉशिंग पाउडर या फिर कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की एड होती तो भी बंदा कहता है हाँ सही है भाई, बल्ब से कपड़े सफेद हो रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? लॉजिक इनटू 100 हो गया। और ये छोड़ो भाई, इस अगली एड में देखो। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बात CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर पॉसिबल होता मैं अपनी आंखें ऐसे निकाल के साइड में रख देता हूँ। सॉरी, ऐसी रेसिस्ट फेयरनेस क्रीम वाली एड हमने बहुत देखी है, लेकिन एक बल्ब की लाइट में लड़की देखो तुम, एकदम इन्होंने वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इंसान ही बदल गया, कुछ और ही बिठा दिया है वहाँ पे। ये ऐसी एड्स बनाने वालों से उनकी क्वालिफिकेशन पूछो ना तो सामने से बोलेंगे हम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसीलिए कहते हैं कि आप ग्रेड से कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह कर लो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये एड्स बनाने वाले कौन से नशे करके एड्स बनाते हैं भाई। पता नहीं जी कौन सा नशा। वाइड स्क्रीन है तो वाइड का मतलब लिटरली ले लिया इतनी वाइड, वो भगते आ रहे हीरो हीरोइन, बट नहीं दे कैन नॉट मीट ना बिकॉज दे आर वाइड स्क्रीन में भाग रहे हैं वो। तू यहाँ पे कैसे? ऐसे ही बस चला ही गया, तो ला पानी की बोतल पकड़ा, यही काम रह गया ना बस यार, ये ला दे। क्या कर रहा है जल्दी आ, 5 सेकंड हो गए पहुंचने के बाद। अबे वो एक्चुअली वाइड स्क्रीन है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। भाग गया था। और तेज, और तेज। अबे साले, साले। अबे जल्दी करना, सुबह पनवेल निकलना है। पहली बार तो अभी कितनी जल्दी।
पहली फुर्सत में निकल। कोई टेंशन नहीं है गाइस, वो वाइड स्क्रीन है ना तो टाइम लग जाता है यार। एज ए तो वर्ड्स का मतलब अगर हम लिटरल लेने लगे फिर तो मम्मी ये लो चॉकलेट। कुड़ी तू चॉकलेट लेड लेड ये लो कपकेक। मेरी कपकेक है केक है केक है। ये ले कोक। ये क्या है? कोका कोला तू। और ये ले ओ भाई हेलो शोला शोला तू। अबे पागल है क्या? बंद कर इसको, पूरे घर में आग लगाया क्या? सॉरी भाई मैं चलता हूँ। अबे तू चल कैसे रहा है? धीमे 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 एड। अब ये वाली एड देखो तो यहाँ पे ये लड़का जो है ये अपना भविष्य जानने के लिए आया है एक एस्ट्रोलॉजर के पास, हाथ देखने वाले ज्योतिष के पास। एंड यहाँ पर इन्होंने गधा बिठा रखा है। केआरके हाइला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे केआरके भाई। यस। और केआरके बोलता भी है मगर क्यों? जी कहिए। मेरा करियर का फ्यूचर कैसा है? पहले अपने पास्ट के बारे में बताओ। पास्ट में देशद्रोही। ग्रेजुएशन के बाद एमएनसी में नौकरी कर रहा हूँ। अबे हंस क्या रहा है बे केआरके, मैंने भी सेम किया था। गजब बेइज्जती है बस। उसके साथ डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ, अपग्रेड से। और भाई क्रिस्टल बॉल में से अचानक से उजाला आने लग गया। ओहो हो, अगर स्पेशलाइजेशन राइट है तो फ्यूचर ऐसा ही ब्राइट है। अपग्रेड सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री। ये देख के ना मेरे को मेरी लाइफ की स्टोरी याद आ गई, क्योंकि एक बार मैंने भी एक गधे के नीचे काम किया था। बेटे एक चीज मेरे को क्या अच्छी लगी, बाकी एड्स वगैरह ना सेलिब्रिटीज को लेके आती है, यहाँ पर भाई ये लोग एक गधे को लेकर आए हैं। केआरके बिठा दिया भाई इन्होंने एड के लिए। यार केआरके मेरे पे रोज वीडियो बना देगा। लेकिन एक बात जो इन्होंने सही बोली ना कि अगर स्पेशलाइजेशन राइट हो तो फ्यूचर ब्राइट होता है, मेरा भी फ्यूचर काफी ब्राइट था। ट्रिपल आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी थी, यूट्यूबर बन गया गालियां खाने के लिए। लेकिन आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं अपग्रेड डाउनलोड करके। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी फील्ड्स में प्रोग्राम्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट फाइनेंस लॉ एक्सेट्रा फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो काम करते करते किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो फिर तो फ्यूचर एकदम सेट है, मस्त प्लान है। अब इसी बात पे ना अपग्रेड डाउनलोड कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत तेज हो रहे हो हैं। Don't try this at home. देखो जी सब तो पहला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ना हूं पंजाबी च गल करनी है, तो जिन्हों पंजाबी समझ आती है बहुत वधिया, जिन्हों समझ नहीं आती टेंशन ला लो, मैनू भी नहीं पता मैं की बोलता। तो देखो इस एड च तो उन्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो गया है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी एक ही मतलब है, कुछ भी दिखाते हैं। वो पत्नी को अपने मोटे से पति को निकलने के लिए रास्ता देना है, वो तो यार वो मोटे पति अपना पेट अंदर खींच के ऐसे ऐसे करके जुगाड़ वाले तरीके से भी जा सकते हैं जैसे हम इंडिया में जाते हैं, बट ना जी ना, हमें तो यहाँ पे भाई क्रिएटिविटी दिखानी है। तो क्रिएटिविटी के नाम पे हम सर के ऊपर लात डाल के वो शीर सिंह रिंघासन लगा के ऐसे कबड़ के अंदर बैठ देंगे बाबा रामदेव की तरह। माई माई तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसी एड से उनका प्रोडक्ट बिकता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? एंड में बोलते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, जैसे कि सच्ची में कोई बेवकूफ ये सब घर पे ट्राई करने वाला है। देखो कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, मतलब होते हैं लोग बेवकूफ पर कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि ये फालतू की चीजें घर पे ट्राई। भाई जरा रास्ता दिखा दे, जाना। ओ आपको उधर जाने? वेट क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहा है? रुकिए जरा। अयो सब ठीक है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बस सर के ऊपर लात रखनी है फिर हो जाएगा। अरे पागल बन के दौरे पड़ रहे हैं क्या तेरे को? अरे आप करो अलमारी बंद करो, हो रहा है बस सही हो गया। अलमारी क्या बंद करूं? अरे घुटना टक रहा है, इसको कैसे समेटो? अभी सर के ऊपर लात भी रखनी है। अरे तू ये कर किस लिए रहा है? अरे मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आप आगे जा सको।
कमर कुमर में बल पड़ गया ना तो वहाँ पुरानी फिल्मों की हिलन बन जाएगा तू। क्या हिलन? हाँ करो करो बंद करो, आप चलिए बस हो गया, हैव अ गुड डे भाई, मुझे क्या जो मर्जी कर। तारे जमीन पर शक्ति दे प्रभु। कबड्डी 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 खेलने का वक्त है। हर चीज का एक वक्त होता है पर क्लोरमिंट खाने का। यार ये 30 सेकंड की एड देखते हुए तुम्हें कहीं पे भी लगा था कि ये एक टॉफी की एड होगी? बंदा हनीमून मनाने जा रहा है और वहाँ पे कबड्डी खेल रहा है और पता चलता है एड निकल रही है टॉफी की। मिरेकल, मिरेकल। कैसे भाई कैसे? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने तो मौत मिलेगी। रिमेम्बर कोई भी फील्ड हो अगर स्पेशलाइजेशन राइट होगी तभी फ्यूचर ब्राइट होगा। फॉर अ बेटर फ्यूचर अपग्रेड, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड दिया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।